लॉ, आई एम मॉडल एंड एन एक्ट्रेस. सो हमारा यहाँ जी म्यूज़िक के लिए शूट चल रहा है. दिस सॉन्ग इज़ ऑन पैट्रियोटिक बेस, सो मिलिट्रेंट एंड द लव ऑफ मिलिटेंट लाइफ. सो या, हाय, माई सेल्फ लोकांश गर्ग एंड आई एम अ बॉलीवुड एक्टर एंड मॉडल. और इस वक्त हम एक जी का एक एल्बम कर रहे हैं जो एक ट्रिब्यूट है एक आर्मी को. एंड इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूट बिकॉज आर्मी इज़ अ बिग वर्ड एंड देयर हार्ड वर्क, बट इट्स फ्रॉम हवर हार्ट. जय जवान जय किसान. कैसे मिला? हाँ, तो मेरी मूवी आने वाली है नार्कोसुर. दैट वाज इट्स बेस्ड ऑन वुमेन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट. तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ, सर ने मुझे कॉल लगाया कि कम एंड मीट मी एंड समथिंग, एंड आई वेंट टू राज घोष, द डायरेक्टर ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम, एंड देन ही ऑफर्ड मी दिस wonderful music album because it's tributed to our nation, the heart of our nation, that is the army, the unsung heroes. मैंने सर के साथ एक पहले प्रोजेक्ट किया था बिफोर यू डाई, जो उनकी पिछली मूवी थी, तो उनको मेरा एक्ट अच्छा लगा था. तो अभी इसके लिए एक ब्रदर का कैरेक्टर था, मैं इनके भाई का कैरेक्टर और जो मेजर है उनका दोस्त बहुत अच्छा, वो मेरा कैरेक्टर है. तो वो कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी, तब सर ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे एक एल्बम है किसी का, तो तुम फ्री हो तो आ जाओ. आर्मी में आप भी हो? हाँ जी, आर्मी में. प्राउड सर, मेरे पास शब्द नहीं होते उस वक्त. और एक्चुअली मेरी, मैं उस लेवल पे भी नहीं हूँ कि मैं वो पहन सकूँ. अच्छा, तो देशभक्ति के ऊपर बहुत सारे गाने हैं और पैट्रियोटिक सॉन्ग सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो मेरा तो फेवरेट है कि माँ तुझे सलाम. मेरे दो गाने दिमाग में आते हैं स्टार्टिंग में ही, एक मेरे देश की धरती सी सोना उगले उगले हीरे मोती, और चिट्ठी आई है. देश के लिए मैं ओके. सो हम सभी रेस्पॉन्सिबल नागरिक है देश के, और कहीं ना कहीं हम सभी देश के लिए करते हैं. मतलब आप अगर अपने जॉब सही से कर रहे हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप अगर कर रहे हो तो आप देश की उन्नति के लिए कर रहे हो, देश को आगे लेके जा रहे हो. चाहे वो स्टूडेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, मतलब देश सिर्फ आर्मी वाले तो है ही, पर बाकी सारे प्रोफेशन की वजह से आज हमारे देश देश है. मैं देशवासियों को ये कहूँगा, जैसा कि आजकल चल रहा है कि लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद फ़ौरन जाते हैं और वहाँ पे सीईओ या कुछ भी बनते हैं, तो हमारे इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, बट इंडिया में रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इंडिया भी और ज़्यादा ग्रोथ करे. और आर्मी, तो आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, इनके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब ये स्पीचलेस है. Thank you. My name is Utsav and I'm from Sikkim and I'm doing a music video with Zee Music. So, कैसे ही आपको मिली, कैसे करें? So, actually, Shubhendra Raj Ghosh sir had come to Sikkim and then he met me and we discussed about doing a project together, and then eventually like that it happened and we did this. जब आपने सुना कि आर्मी का किरदार है, तब क्या माइंड में आया, सब क्या है? First, जो आता है वो तो patriotism टाइप आता है. और the good thing about this music video is this is releasing near Independence Day, so वो एक plus point हो गया और पूरा nation का patriotism जागा हुआ होता है. Set पे कैसा माहौल है? Set पे बहुत अच्छा हो रहा है, it's very comfortable with the co-actress and this, ये मेरे लिए नया है क्योंकि इतना professionalism अभी तक मैंने नहीं किया था. सिक्किम में इतना नहीं होता है, so first time है तो मज़ा आ रहा है. It's a first album? No, first in Mumbai doing it so professionally, but पहले मैंने दो तीन वाला किया है. It's a Hindi boy, Hindi or two of them are from Sikkim itself, Nepali music videos. The third one is called Maya and released in Zee Music. ये कैसे मिला आपको, कैसे आप audition वगैरह? Audition तो नहीं हुआ था, but we met in a conclave, entrepreneur conclave, and he saw me on
in one of the panelists and उन्होंने मुझे देखा और उनका बातचीत हुआ उनको पता चला कि मैं भी म्यूजिक वो सब एक्टिंग में इंटरेस्ट है सो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रोल शूट करेगा तो ट्राई करते हैं बोलते उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है इट्स आई फाइंड हिम वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क ही पुट्स हिज एंटायर हार्ट एंड सोल इनटू द म्यूजिक वीडियो सो इट्स फन वर्किंग विद हिम व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड द इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ एन आर्मी what kind of sacrifices an army person makes to keep the nation safe and all the things that his loved ones face after he's gone to the army safar ye gana actually hamara jo indian army hai unko hamari taraf se ek chhota sa tribute aaj ka jo halat hai usko maddenazar rakhte hue indian army ke liye kuch karne ka jo ek prerna वो मेरा दोस्त का मेरा मेंटर राज सिंह सिद्धू का एडिटर मुझे बताया और इसके चलते मैं सुषमा गुरुंग उनसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उनसे मैंने बात किया और उस वक्त मैं सिक्किम में ही था और सिक्किम में ही दो तीन एक हादसा हुई हो गया ये लैंडस्लाइड के कारण बहुत सारे जवान फौज और जो है शरीर शहीद हो गए तो उस दौरान मुझे ये लड़का उत्सव मिला और मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा जी चलो इसको लेके ये गाना करें इस गाने को जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो बॉब एसेंस सर है वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है मेरा बहुत पिक्चर का वो म्यूज़िक डायरेक्शन किए हुए और गाना को गाए ये डुअल लैंग्वेज का है एक नेपाली और एक हिंदी नेपाली में गाया है शिशिर छठल ने और हिंदी में गाया है शाहिद मल्लार ने वीडियो बन रहा है आज वो एक आर्मी ऑफिसर है शादी में उसको छुट्टी मिला था वो घर आ रहे थे उसका दुल्हन जिसके शादी हो रहा था उसका हल्दी का रस्म चल रहा था दुल्हन का बेस में था सडनली रास्ते में आतंकवाद हमला होता है और ये फौजी ऑफिसर ये देहांत हो जाता है देश के लिए जान दे देते और उसका डेड बॉडी आता है उस समय जब ये दुल्हन के बेस में थे जस्ट यही ऐसे बहुत सारे किस्सा शायद अनजानी किस्सा है जो हम लोग जानते भी नहीं हैं उन सब के लिए जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं देश के लिए अपनी जान दे देते हैं कोई परवाह करते नहीं हुए हमें ठीक रखने के लिए खुद का जान को परवाह करते हैं और उस लड़की लोग के लिए जिसका शहर माने हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है या जिसका हस्बैंड होने वाला था वो भी इस दुनिया में नहीं है उनके लिए मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा सलूट कहने की पुलवामा हमला एवरीथिंग ये हर इंसिडेंट इनके लिए हमें शायद ये पता है इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहां हम लोग को पता नहीं है हर समय तो बॉर्डर में तो गोलाबारी चलते ही रहते हैं कुछ न्यूज़ आते हैं कुछ न्यूज़ ना आते ये रेगुलर जैसे सांस लेने का बात है वैसे ही बात है कितना फौज कितना ऑफिसर्स देहांत हो जाते मर जाते वी डोंट नो सो ये सब के लिए ये हमारा इंडियन आर्मी के लिए ना स्पेसिफिक कोई आर्मी या बटालियन के लिए नो ये इंडियन आर्मी के लिए नहीं वैसे नहीं है एक्चुअली ये एक फ्लैश बैक है एक लड़की का पर्सपेक्टिव फ्लैश बैक है जिसके वो शादी करने वाली थी वा होने वाला था वो आज इस दुनिया में नहीं है फिर भी उसको ये याद करते हैं और उसी वक्त उसी टाइम याद करते हैं वही पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम में याद करते हैं जिस कॉस्ट्यूम से उसको छोड़ के गई थी उत्सव का उत्सव को तो लवकंस गर्ग लवकंस हरियाणवी एक लड़का है अच्छा टैलेंटेड लड़का है बहुत सारे काम किए मेरा लास्ट फिल्म में भी वो एक गेस्ट अपीयरेंस का किरदार किया तो मैंने लवकंस को देखा है वो भी बहुत अच्छे एक्टर है और श्रेयसी जो इस गाने का हीरोइन है 5 साल पहले इनफैक्ट मेरे हाथ से ही इसका शुरुआत हुआ था इस म्यूज़िक वीडियो में एक हिंदी म्यूज़िक वीडियो में शुरुआत हुआ था कलकत्ता में हम लोग शूट किए थे 5 साल बाद मुझे जब खबर मिला जो वो एक बहुत अच्छी काम कर रही है बहुत सारे एड्स वेब सीरीज़ और रिसेंटली 5 अगस्त उसका एक पिक्चर भी रिलीज़ होने वाला है और बहुत बड़े बैनर के साथ तो आई ऑफर हर एंड बहुत सालों के बाद मेरे ऑफर मिलते ही शी डू दिस वर्क और एक्टर है अपने भाई बना है
वो तो लवकंश गर्ग का मैंने किरदार बताया था, वो भी बहुत अच्छा है। 12 अगस्त ये बॉम्बे में रिलीज होंगे ऑल ओवर इंडिया में, नेपाली वर्षन हिंदी वर्षन एंड नेपाली वर्षन ये रिलीज होगा 15 अगस्त सिक्किम में। 15 अगस्त देख सकते हैं। तो गाना इसलिए अकेला कि पूरा एल्बम है ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, एक 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 सिंगल सॉन्ग, एक सिंगल सॉन्ग, सॉन्ग का नेम सफर है, एल्बम का नेम भी सफर है।